रिफाइनरी की कंपनी में रसोइये के रूप में काम करने वाले बुजुर्ग की उसी के रूममेट ने ईंटों से हमला कर हत्या कर दी। ये वारदात पानीपत के गांव बोहली की है, जहां पर एक बुजुर्ग रसोइये साथी से खाने के पैसे मांग रहा था, लेकिन उसके साथी को शायद पैसे मांगने की बात रास नहीं आई और उसने रसोइये की हत्या कर दी। दरअसल मूल रूप से पश्चिमी बंगाल के ईटा जिले के रहने वाले 70 साल के अमूलोपाल एक महीने पहले ही अपने गांव के ही छोटनपाल के साथ पानीपत में काम करने आए थे। ये रिफाइनरी की पी मणिकम कंपनी में काम करने लगे। इस कंपनी में कुल 40 लोग काम करते हैं। यहां पर अमूलोपाल को रसोइये की नौकरी मिल गई, जबकि छोटनपाल लेबर के रूप में काम कर रहा था। गुरुवार को अमूलोपाल छोटनपाल से अपने खाने के पैसे मांग रहा था। दोनों के बीच इसी को लेकर विवाद हो गया और विवाद मारपीट में बदल गई। छोटनपाल ने इंटरलॉकिंग टाइल से अमूलोपाल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। देखिए, हमारे पास ना करीब आधा घंटा पहले सूचना आई थी कि पलारा मार्केट के पास जो लेबर कॉलोनी है, वहाँ दिन में झगड़ा हुआ था दो आदमियों का, और उसमें से एक को जो इज्जड़ था उसको जीएच पानीपत में ट्रीटमेंट के लिए ले जा रखा है। तो इस सूचना पे हम यहाँ आए थे। अभी जब हम अस्पताल में पहुँचने वाले थे कि हमारे पास रुका गया कि वो बंदा की डेथ हो गई है जो अंडर ट्रीटमेंट था। तो अभी मैं यहाँ पोस्टमार्टम पे मैंने उसको चेक किया है, देखा है, तो यहाँ पर उसके मरने वाले के गांव के लड़के जो और लेबर थी वो यहाँ हैं। उन्होंने हमें बताया है कि ये अमूलोपाल नाम का आदमी है जो करीब 70 साल का है, और ये पी मणिकम कंपनी है एक जो जॉबर करती है IOCL रिफाइनरी में। उस कंपनी में टोटल करीब 40 आदमी लेबर काम करती है। उनमें से ये उनका ये खाना बनाने का काम करता था और लेबर क्वार्टर में रहता था। तो उसी कंपनी में कोई एक लड़का अभी 20-21 दिन से नया लड़का कोई आया था लेबर का, तो उसका मेस के पैसों पे लेन देने के साथ इसके साथ झगड़ा हो गया था बड्डे के साथ। और उसने जो हमें अभी बताया, अभी इनिशियल जो पता लगा है कि जो गली की जो लॉकिंग टाइल ईंट होती है वो उठा के और इस बुड्ढे को काफ़ी मारी है, जिससे इसकी छाती पे, मुंह पे, बाजू पे काफ़ी चोटें आई हैं। तो यहाँ ये जी सरकारी अस्पताल पानीपत में ट्रीटमेंट था, यहाँ इसकी डेथ हो गई है। तो अभी इसके गांव वाले जो लड़के हैं, हम उनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने उसके साथी से लेकर सभी से पूछताछ की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों को वारदात की सूचना दे दी गई है। पुलिस की टीमें आरोपी की धरपकड़ में जुटी हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।